नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशील पांडे और आज अपने विद्यार्थियों से मैं कुछ बड़े महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करूंगा और वह विषय है जिसमें इतिहास भी है और आज की दुनिया है। कई कंटेम्प्रेरी ऐसे टॉपिक्स हैं, समकालीन ऐसे विषय हैं और इसको आप बहुत समग्रता से समझने का प्रयास करिएगा। पहला महत्वपूर्ण विषय है कि चीन, चाइना, जिसके यात्रियों ने भारत की यात्रा की तो उन्होंने भारत को एक महान देश के रूप में देखा। ह्वेनसांग, इत्सिंग, फाहियान जैसे यात्री आए और उन्होंने भारत को एक ऐसे आध्यात्मिक देश के रूप में देखा और भारत की प्रशंसा की। चीन, जो स्वयं दुनिया की एक बड़ी शक्ति था, एक महान सभ्यता था और चार बड़े महान आविष्कार जो चीन ने दुनिया को दिया और दुनिया हमेशा उसकी ऋणी है, कागज, बारूद, प्रिंटिंग प्रेस और चौथी महत्वपूर्ण चीज है दिशा सूचक यंत्र कंपास। ये चार बड़े महान योगदान रहे चीन के। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज माना जा रहा है कि चीन पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन के सामने आया। ऐसी महान सभ्यता जिसने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया, एक महान सभ्यता के रूप में आगे बढ़ा, लेकिन आज आपने पहली महत्वपूर्ण चीज देखी कि भारत की सुरक्षा चिंता, कि चीन ने हम्बनटोटा में, श्रीलंका में कैसे उन्होंने यहां पर अपना वारशिप तैनात, अपना युद्धपोत तैनात किया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपने अभी सुना कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने यात्रा किया चीन से सटा हुआ, आप देख सकते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण देश है, चीनी ताइपे उसको कहते हैं, ताइवान कहते हैं, ताइवान की यात्रा की। और रक्षा विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अभी मानने लगे हैं कि कहीं न कहीं से दूसरे बड़े शीत युद्ध की, कोल्ड वार की आहट है और कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन और रूस जैसा संकट यहां पैदा हो, क्योंकि चीन इस मामले पर बहुत सतर्क है और लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहा है। तो आखिर इन सभी चीजों के पीछे वास्तव में कौन से कारण हैं, भारत की क्या स्थिति है, इसमें भारत की क्या भूमिका है और आखिर चीन एक महान सभ्यता होने के बाद आज आखिर इतना आक्रामक क्यों हो गया। देखिए, जो पहली महत्वपूर्ण इस पर चर्चा है कि भारत और चीन दुनिया की दो महान सभ्यताएं, उनमें आप मूलभूत अंतर देखिए कि आखिर बार बार हमारा चीन से संघर्ष क्यों हो रहा है। पंचशील आया, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया, लेकिन बहुत जल्दी ही चीन ने उस नारे को अपनी आक्रामकता के द्वारा उसको तोड़ दिया, भारत पर आक्रमण किया और बड़ा गहरा सदमा पहुंचा हमारे देश को, जिनसे हमारा सदियों पुराना सांस्कृतिक संबंध रहा, आर्थिक संबंध रहा और भाई भाई का नारा दिया गया। तो आखिर चीन की क्या व्यवस्था है और क्या भारत उसका स्वाभाविक मित्र हो सकता है। भारत का प्राचीन काल का चिंतक है कौटिल्य, और कौटिल्य कहते हैं जिन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया, सेवन ऑर्गन्स ऑफ ए स्टेट, एक राज्य के सात अंग कौन कौन से हो सकते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि एक वह राजा महान है जो एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, जो एक ऐसे वेलफेयर स्टेट की स्थापना करता है राजा, जहां अपने नागरिकों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करता है। वहीं उसके साथ अगर आप उस समय चीन में देखें तो उनका विचारक है सनतजू, और सनतजू क्या कहता है कि वह राजा महान है जो विजय प्राप्त करता है और युद्ध में कोई नियम नहीं है। राजा के लिए सबसे आवश्यक है कि कैसे वह विजय प्राप्त करता है और अपने राज्य का विस्तार करता है। यानी एक तरफ मानवतावादी कल्याणकारी विचारधारा और दूसरी तरफ ऐसी आक्रामक विचारधारा जहां पर युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयत्न आवश्यक है। लेकिन जब हम आज के समय देखें तो 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। अभी हम सभी ने, इस देश के गर्वित नागरिकों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। वहीं 1 अक्टूबर 1949 को चीन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीनी गणतंत्र घोषित किया गया। करीब 2 साल बाद भारत से, 2 साल से भी कम समय था। अब यहां क्या महत्वपूर्ण बात सामने आई कि भारत को जो आजादी मिली
और गांधी जी के सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे नैतिक मूल्यों के आधार पर मिली। हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष किया, देश के अलग अलग वर्गों के लोगों की भागीदारी रही और कभी नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं किया गया। हमारा जो राष्ट्र निर्माण का आधार है, हमारी जो नेशन मेकिंग की थियरी है, उसमें सर्वसमावेशी, उसमें इंक्लूजन का सिद्धांत है जिसमें हम सभी को शामिल करेंगे, और सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे नैतिक मूल्यों के आधार पर हमने 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की। हमारे साथ 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवाद आया, उन्होंने किस प्रकार से वहां की राष्ट्रवादी पार्टी कुओमिंतांग, जो वहां की राष्ट्रवादी पार्टी थी, कैसे उसको उन्होंने पराजित किया, और उनका जो उस समय का सर्वश्रेष्ठ नेता माओ जेडांग, जिसको हम माओ से तुंग भी कहते हैं, वो कहते हैं कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, पावर केम फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, अर्थात हम एक हिंसक क्रांति के द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करते हैं। चीन में क्या किया माओ ने कि कैसे वहां लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार, एक ऐसी सरकार जो लोगों ने चुना, उस सरकार को हिंसा के बल पर समाप्त कर दिया और 1 अक्टूबर 1949 को चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की स्थापना कर दी। तो एक मूलभूत अंतर आपने देखा कि एक देश सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के आधार पर आजादी प्राप्त कर रहा है और दूसरे देश में सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, एक ऐसी हिंसक क्रांति के द्वारा सत्ता परिवर्तन हुआ। अब वो जो राष्ट्रवादी पार्टी थी कुओमिंतांग पार्टी, वह पार्टी और उसके नेता चले गए ताइवान। आज वो सभी लोग अपने आप को चीन की वास्तविक जनवादी और चुनी हुई सरकार मानते हैं कि हमें तो चीन की जनता ने चुना, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को अपना विद्रोही प्रांत मानता है, एक ऐसा प्रांत जहां हमारे विद्रोही लोग हैं और उसको हमको अपने अधिकार में लेना है, और उनका मानना है कि चीन से हमें, एक हमारी चुनी हुई सरकार को हमें हटा दिया गया। यह मूल जो संघर्ष का कारण है ताइवान और चीन के बीच। तो आपने दूसरा महत्वपूर्ण अंतर देखा, और तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है भारत और चीन के बीच कि भारत एक बहुसांस्कृतिक समाज है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, हर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, आपके बिना हमारा सुर अधूरा है। ठीक, तो जैसे शरीर के अलग अलग अंग मिलकर काम करते हैं, तो हमारे यहां अलग अलग क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यह हमारी जो विविधता है, हमारी ये ताकत है। हम एक उदार लोकतंत्र हैं जहां पर हम आपसी सहमति से, वाद विवाद भी है लेकिन आपसी सहमति से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। चीन में ऐसा कम्युनिज्म का शासन है जहां पर एक दलीय सरकार है, लोकतंत्र नहीं है, और बहुत ही कठोर राजनीतिक निर्णय लेकर के उसको लागू कराने की शक्ति है। अगला जो महत्वपूर्ण अंतर है, हमारे देश में इतनी विविधता आपको दिखती है, चीन में एक भाषा, अधिकतम उनकी पॉपुलेशन मैंडारिन बोलती है, चीनी भाषा बोलती है। हमारे देश में देखिए हर 3-4 कोस पे भाषा बदल जाती है, लेकिन चीन में एक भाषा है। चीन में करीब 91% पॉपुलेशन हान लोग हैं। हमारे यहां अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र के लोग हैं। तो चीन का जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, उनकी जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है, वह ज्यादा अपेक्षाकृत, हमारी राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसकी अपेक्षा अलग प्रकार की है। हमारे यहां अलग अलग, आप चाहे यहां बहुसंख्यक हो, आप अल्पसंख्यक हो, आप किसी भी क्षेत्र के निवासी हो, लेकिन हम सभी भारतीय हैं। वहां पर जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है, हान लोग हैं और उनकी अपनी एक भाषा है, तो इस कारण से वहां कोई भी निर्णय लेना और उसे लागू कराना, खासतौर पर उनकी जो अपनी राजनीतिक व्यवस्था है, कठोर साम्यवाद है, उनके लिए आसान है। लेकिन चूंकि हम एक उदार लोकतंत्र हैं, एक बहुसांस्कृतिक समाज हैं, जहां पर सर्वसमावेशी विचारधारा है, यह हमारी ताकत है। लेकिन कहीं न कहीं निर्णय लेने में समस्या तो जरूर आती है और संघर्ष भी आते हैं,
लेकिन उसका समाधान हम उदार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, जबकि चीन में एक कठोर राजनीतिक ढांचा है और थियानमेन स्क्वायर में क्या हुआ इसको पूरी दुनिया ने देखा। तो ये जो महत्वपूर्ण अंतर है भारत और चीन की विचारधारा में कि एक देश जो मानवीय मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ रहा है, मानवीय मूल्यों के आधार पर, नैतिक मूल्यों के आधार पर आजादी प्राप्त कर रहा है और सर्वसमावेशी विचारधारा बहुसांस्कृतिक समाज के आधार पर आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ चीन की विस्तारवादी नीति, प्राचीन काल से आप सनज्जू को देखें किस प्रकार से एक दलीय शासन, कठोर साम्यवाद और उनका जो राष्ट्रवाद है वो एक भाषा और जाति समूह का है। तो इतने अंतर होने के कारण कभी बड़ी सहजता नहीं आ पाती संबंधों में। कई बार बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास किया गया लेकिन चीन ने किस प्रकार से अपनी आक्रमणकारी नीति दिखाई। आज हमारी विदेश नीति में बदलाव आया और चीन को हमने एक महत्वपूर्ण साझीदार के रूप में देखा। कई ऐसे महत्वपूर्ण संगठनों में चीन को शामिल किया गया और उसके साथ बढ़ने की कोशिश की गई। लेकिन आपने देखा गलवान में क्या हुआ, कैसे चीन ने उसको पीछे छोड़ दिया और अभी हाल का उदाहरण आप देख रहे हैं कि हम्बन टोटा में क्या हो रहा है, जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मोतियों की माला नीति कहते हैं। कैसे चीन हमें हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार कर रहा है और जो भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चिंता के रूप में सामने आ रहा है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन की व्यवस्था क्या है, चीन ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखिए चीन का जो इतिहास है कि 1 अक्टूबर 1949 को जब उन्होंने वहां की राष्ट्रवादी कुओमिंतांग सरकार को हटा करके और कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की स्थापना की, माओ जेडांग या माओ त्से तुंग उनके सर्वोच्च नेता बने और कैसे उन्होंने पूरे चीन का रूपांतरण किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन, चीन में एक बड़ी सांस्कृतिक क्रांति हुई और वहां साम्यवाद बहुत मजबूती से स्थापित हो गया। माओ त्से तुंग के बाद देंग ज़ियाओपिंग उनके सर्वोच्च नेता बने, हालांकि जब तक माओ त्से तुंग का शासन था तब तक उनसे बड़ा अंतर्विरोध बना रहा और माओ का हमेशा मानना था कि जो देंग की नीतियां हैं ये चीन को समाजवाद से दूसरे रास्ते पर ले जा रही हैं। लेकिन जैसे ही देंग ज़ियाओपिंग आए उन्होंने उस समय की वास्तविकता को समझा कि चीन का राजनीतिक ढांचा तो पूरी तरह समाजवादी रहेगा लेकिन जो आर्थिक व्यवस्था रहेगी उसको उन्होंने पूरी तरह से पूंजीवादी बना दिया और उसके लिए उन्होंने किस प्रकार की दूरगामी उनकी सोच थी कि हमें एक ऐसी पूंजीवादी व्यवस्था बनानी है जिसके ऊपर कठोर साम्यवादी नियंत्रण होगा और उसका परिणाम यह हुआ कि बड़े पैमाने पर उन्होंने पूंजीवादी उद्यमों की शुरुआत की और चीन में जो आर्थिक संसाधन थे उनके आधार पर चीन का आर्थिक पुनर्निर्माण प्रारंभ हो गया। तो चीन में हम दो वहां के महान राजनेता देखते हैं, पहले माओ त्से तुंग जिन्होंने चीन का राजनीतिक पुनर्निर्माण किया और देंग ज़ियाओपिंग जिन्होंने उसका आर्थिक पुनर्निर्माण किया। यानी चीन की अगर हम राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को समझें तो राजनीतिक रूप से साम्यवादी लेकिन आर्थिक रूप से देंग ज़ियाओपिंग के समय वह एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदल गया। तो देंग ज़ियाओपिंग के समय जिस प्रकार का विकास हुआ आज चीन की पूरी विदेश नीति पर उसका प्रभाव दिखता है कि बड़े बड़े उद्यमों का विकास हो गया और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पूरी दुनिया से किस प्रकार से आयात और निर्यात करेंगे। आज संयुक्त राज्य अमेरिका इसलिए दुनिया की ताकत बन पाया क्योंकि इसको जो उसकी जो जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजी है उसको अगर आप देखें तो आपका अटलांटिक और पैसिफिक ओशन हर तरफ से उसके लिए अच्छा नेविगेशन है और वो बहुत अच्छे से पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकता है। लेकिन चीन के साथ समस्या क्या आई कि चीन के लिए जो मार्केट है वह है अफ्रीका, यूरोप और एशिया में। अब आखिर चीन उस मार्केट तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए उसका नेविगेशन कैसे होगा,
उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। तो उसके लिए चीन ने प्रयास करना शुरू किया, क्योंकि उसके जो आर्थिक उद्यम थे उनके लिए निर्यात अब अनिवार्य हो गया। चीन ने वैकल्पिक रास्ते तलाशने शुरू किए और उसने जो पहला प्रयास करना शुरू किया कि खास तौर पर यूरोप पहुंचने के लिए उसका ट्रेडिशनल सिल्क रूट था, कैसे उसने उस रेशम मार्ग को, सिल्क रूट को, उसका पुनर्निर्माण किया। लेकिन अफ्रीकी और खास तौर पर जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां तक पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि इधर से चीन के लिए कोई रास्ता नहीं था। अलग अलग देश हैं जिनकी अपनी सॉवरनिटी, अपनी संप्रभुता है, ऊपर आर्कटिक है, इधर से जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब चीन के लिए अनिवार्य हो गया कि एक आक्रामक विदेश नीति अपनाए और अपने इन आर्थिक उद्देश्यों को पूरा कर सके। अब देखिए, जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कह रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हमारी विदेश नीति के संदर्भ में, कि मोतियों की माला, कैसे हमें महासागर में चीन घेरने की कोशिश कर रहा है। तो चीन ने पहला प्रयास क्या किया कि बांग्लादेश के अलग अलग बंदरगाहों पर, खासतौर पर चटगांव में, बड़े पैमाने पर रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे चीनी कंपनियों ने वहां बड़े बड़े ठेके लिए और उनके लिए बंदरगाहों का निर्माण किया। उनका वहां पर काफी प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद आपने देखा लंका में हम्बनटोटा, यहां पर उन्होंने, एक चीनी कंपनी ने बड़े बंदरगाह का निर्माण किया, अधिकतम उनका पैसा लगा। उसके बाद उन्होंने मालदीव में, माले में, यहां पर कार्य करना शुरू किया। इसके बाद अगला जो बड़ा महत्वपूर्ण आपको प्रभाव दिखा कि अब चीन कैसे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, अरेबियन सी में, अरब सागर में पाकिस्तान उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि उसके लिए रास्ता बड़ा आसान था कि चीन सीधे यहां से सिंजियान प्रांत से आते हुए पाकिस्तान से यहां ग्वादर पहुंच जाएगा, कराची के पास। अब चीन ने पूरा ध्यान लगाया पाकिस्तान पर। उसके लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट था अफ्रीकी बाजार के लिए और गल्फ कंट्रीज के लिए, जहां पर उसको बड़ा अवसर दिखा, एक बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उसे दिखी कि जहां पर चीन निर्यात करके और अपनी आर्थिक शक्ति को, अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया में नंबर एक पर ला सकता है। अब चीन ने पाकिस्तान को अपने प्रभाव में लेना शुरू किया और कैसे कराची के पास इन्होंने ग्वादर में काफी इन्वेस्टमेंट किया और अपना बड़ा पोर्ट बना दिया। आज इन्होंने पूरा कॉरिडोर बनाया, तो अब बहुत आसान हो गया चीन के लिए कि कैसे चीन अब सीधे प्रवेश कर जाएगा अरेबियन सी में। दूसरा, चीन कैसे अब हम्बनटोटा, इधर माले, यहां पर चटगांव बंदरगाह, तो कैसे वो मोतियों की माला, एक माला जैसा भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन का मानना है कि हमारी जो नीति है वो विस्तारवादी बिल्कुल नहीं है, यह हमारी आर्थिक आवश्यकता है कि हम कैसे अपना उद्यम स्थापित करें और कैसे हम उसको पूरे दुनिया तक पहुंचाएं, खासतौर पर अफ्रीकी मार्केट और जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां तक। तो इसके लिए लगातार चीन प्रयास कर रहा है। अब यहां भारत की सुरक्षा चिंता क्या है? भारत की पहली सुरक्षा चिंता यह है कि हम्बनटोटा मामले पर तुरंत हमारे विदेश मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जताई, श्रीलंका और चीन दोनों देशों से, कि व्यापार करना तो बिल्कुल ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करिए, पोर्ट बनाइए, लेकिन यहां पर वारशिप तैनात करना, यहां पर किसी भी प्रकार की पनडुब्बी यहां पर तैनात करना, सबमरीन यहां पर तैनात करना, यह हमारी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है वो हमारे लिए पूरी बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, अरेबियन सी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय सुरक्षा चिंता इसलिए है कि अब चीन का इस पूरे क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा और हमें अपनी सुरक्षा पर ज्यादा खर्च करना होगा, हमारी सुरक्षा चिंताएं ज्यादा होंगी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि हम अगर अपने आर्थिक संदर्भ में देखें तो कैसे हमारा जो मैक्सिमम निर्यात है अफ्रीकी देशों को, खाड़ी देशों को, वो प्रभावित हो सकता है, और जब हमारे आर्थिक हित प्रभावित होंगे तो निश्चित रूप से हमारी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था पर उसका प्रभाव दिखेगा। तो आज ये जो खतरा आया है हम्बनटोटा को लेकर के, उसकी ये पूरी पृष्ठभूमि है
कि आखिर चीन की क्या व्यवस्था है और उसके संदर्भ में भारत की सुरक्षा चिंताएं क्या हैं। अब इसको हम एक और लेक्चर में इसको काफी डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।